क्वेश्चन नंबर वन है, अल जजीरा टीवी बिलोंग्स टू विच कंट्री। अल जजीरा टीवी का ताल्लुक किस मुल्क से है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कतर। अल जजीरा टीवी का ताल्लुक कतर से है। क्वेश्चन नंबर टू है, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन। इक्वामे मतहदा यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए जापान। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन जापान, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच कंट्री हैज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल एंथम। सबसे छोटा कौमी तराना किस मुल्क का है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जापान। जापान ऐसा मुल्क है जिसका तराना दुनिया में सबसे छोटा है। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल एंथम। यहाँ पे शॉर्टेस्ट पूछा है, वो आपसे लॉन्गेस्ट भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कौमी तराना किस मुल्क का है, तो आपने बताना है ग्रीस। ग्रीस ऐसा मुल्क है जिसका तराना सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच कंट्री हैज़ नो कैपिटल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसका कोई दारुल हुकूमत नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी न्योरो। न्योरो एक ऐसा मुल्क है जिसका कोई भी दारुल हुकूमत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स इज कॉल्ड। ज़्यादा बीवियाँ रखने के रिवाज को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी पॉलीगैमी। पॉलीगैमी ज़्यादा बीवियाँ रखने के रिवाज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हीरोडोटस इज नाउन एज। हीरोडोटस को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री हीरोडोटस को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, द मर्डर ऑफ ब्रदर इज कॉल्ड। भाई के कत्ल को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड भाई के कत्ल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर एट है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। जो शख्स खुदा के वजूद को नहीं मानता वो कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी एथियस्ट। एथियस्ट वो शख्स होता है जो खुदा को नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर नाइन है, हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स इन अरेबिक लैंग्वेज। अरबी ज़बान में कितने हरूफ हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी 28। 28 अल्फ़ाबेट्स हैं अरेबिक लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर टेन है, हाउ मैनी वावल्स इन अरेबिक लैंग्वेज। अरबी ज़बान में कितने वावल्स हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द नेशनल स्वीट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौमी मिठाई कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी गुलाब जामुन। गुलाब जामुन पाकिस्तान की नेशनल स्वीट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी बॉल्स आर यूज्ड इन द गेम ऑफ स्नूकर। स्नूकर के खेल में कितनी गेंदें यूज होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 22। 22 बॉल्स स्नूकर की गेम में यूज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। खुराक का आलमी दिन किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, येलो रिवर इज लोकेटेड इन। येलो दरिया किस मुल्क में वाक़ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी चाइना। येलो रिवर चाइना में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेड ग्रीन ब्लू एंड वाइट रिवर्स आर लोकेटेड इन। रेड ग्रीन ब्लू एंड वाइट रिवर्स कहाँ वाक़ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। यूएसए में रेड ग्रीन ब्लू एंड वाइट रिवर्स लोकेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द ब्लैक रिवर इज लोकेटेड इन। ब्लैक रिवर कहाँ वाक़ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जमैका। जमैका में ब्लैक रिवर लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किंगस्टोन इज द कैपिटल ऑफ। किंगस्टोन किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? राइट आंसर है ऑप्शन डी जमैका। जमैका का दारुल हुकूमत किंगस्टोन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर एट लीस्ट। आदमी बगैर खुराक के कितने दिन जिंदा रह सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 मंथ। एक आदमी 1 माह तक बगैर खुराक के जिंदा रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर ऑलमोस्ट। एक इंसान बगैर पानी के कितने दिन जिंदा रह सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑलमोस्ट 3 डेज। एक इंसान ऑलमोस्ट 3 दिन बगैर पानी के जिंदा रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिक पार्टी ऑफ यूएसए। रिपब्लिक पार्टी ऑफ यूएसए का बानी कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अलेक्जेंडर हैमिल्टन रिपब्लिक पार्टी ऑफ यूएसए का बानी था।
क्वेश्चन नंबर 21 है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पैदा करने वाला मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन, सूरज का कतर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑलमोस्ट 14 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन ह्यूमन बॉडी देयर आर डैश काइंड्स ऑफ बोन, इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियों की इकसाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 4, इंसानी जिस्म में 4 इकसाम की हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, टाइप्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर एंड फ्लैट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लैट। क्वेश्चन नंबर 25 है, द ओलंपिक गेम इन विच मैन एंड वुमेन कैन कम्पीट विद ईच अदर, ओलंपिक खेल जिसमें मर्द और ख्वातीन एक दूसरे से मुकाबला कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इक्वेस्टेरियन। इक्वेस्टेरियन एक ऐसी खेल है जिसमें मर्द और औरत दोनों एक साथ खेल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन अर्थ इज क्लोज टू द सन देन इट इज कॉल्ड, जब जमीन सूरज के करीब होती है तो इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेरिहेलियन। पेरिहेलियन सूरज जब जमीन के करीब होता है तब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व ऑन, अमन का आलमी दिन किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 सितंबर। 21 सितंबर को अमन का आलमी दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ मैनी गैलेक्सीज आर इन द यूनिवर्स, कायनात में कितनी कक्षा हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑलमोस्ट 100 बिलियन गैलेक्सीज। क्वेश्चन नंबर 29 है, ISPR स्टैंड्स फॉर, ISPR की फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। ISPR की फुल फॉर्म इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द अमेज़न रिवर डॉल्फिन आर आल्सो कॉल्ड, अमेज़न रिवर डॉल्फिन को और क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिंक रिवर डॉल्फिन। अमेज़न रिवर डॉल्फिन का दूसरा नाम पिंक रिवर डॉल्फिन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जॉर्डन, जॉर्डन की पार्लियामेंट का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मजलिस अल उम्मा। जो जॉर्डन की पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस अल उम्मा, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, दमदम बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा कहाँ वाक़ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता, इंडिया। इंडिया के शहर कोलकाता में दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे निज़ाम शमसी में कितने सियारे हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 8, निज़ाम शमसी में टोटल 8 सियारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ कोरिया इन्वेडिड साउथ कोरिया इन विच ईयर, शिमाली कोरिया ने किस साल जनूबी कोरिया पर हमला किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, June 25, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ US एंड कैनेडा बॉर्डर इज, अमेरिका और कैनेडा की सरहद की लंबाई कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8,891 किलोमीटर। कैनेडा और USA के बिटवीन जो बॉर्डर है उसकी लंबाई है 8,891 किलोमीटर, आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुरमा इज द नेम ऑफ, सुरमा किस चीज़ का नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिवर। जो सुरमा है ये रिवर का नाम है। अब यही क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सुरमा रिवर कहाँ लोकेटेड है, तो आपने बताना है सुरमा रिवर इज लोकेटेड इन बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन नेल्सन मंडेला डे इज सेलिब्रेटेड, नेल्सन मंडेला का दिन कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 18 जुलाई। नेल्सन मंडेला का जो डे है ये 18 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। अब इसी क्वेश्चन के रिलेटेड दो क्वेश्चन और बनते हैं कि नेल्सन मंडेला बिलोंग्स टू विच कंट्री, नेल्सन मंडेला है जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता था, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि नेल्सन मंडेला कौन थे, हु वाज नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेजिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे की पार्लियामेंट का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टॉर्टिंग। जो नॉर्वे की पार्लियामेंट है उसका नाम है स्टॉर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्टेट ग्रेट हर्ल इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री, द ग्रेट हर्ल
किस मुल्क की पार्लियामेंट का नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, पार्लियामेंट ऑफ ओमान इज नाउन एज, ओमान की पार्लियामेंट किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंसल्टेटिव असेंबली। ओमान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है कंसल्टेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांस-साइबेरियन रेलवे। ट्रांस-साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, आपने ये क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 रुपए के सिक्के का वजन कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5.50 ग्राम्स। पाकिस्तानी जो 5 रुपए का सिक्का है उसका टोटल वजन है 5.50 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज ऑब्जर्व्ड, नौजवानों की महारत का आलमी दिन कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15 जुलाई। हर साल 15 जुलाई को नौजवानों की महारत का आलमी दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन रशियन लैंग्वेज, रूसी ज़बान में टोटल कितने लफाज हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3,50,000 रूसी ज़बान में टोटल अल्फाज हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्लियामेंट ऑफ बर्मा, मर्दर्जा ज़ैल में से बर्मा की पार्लियामेंट कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैथिक। जो बर्मा की पार्लियामेंट है उसका नेम है पैथिक। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टैनले कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम, स्टैनले कप किस गेम से मुंसलिक है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइस हॉकी। जो स्टैनले कप है ये आइस हॉकी के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मैनी प्लेयर्स ऑफ ईच टीम इन आइस हॉकी, आइस हॉकी में हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 प्लेयर्स। आइस हॉकी की हर टीम में 6 प्लेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डज डफ मीन इन गोल्फ, गोल्फ में डफ का क्या मतलब होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अ बैड शॉट। गोल्फ गेम में डफ का मतलब अ बैड शॉट। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ एन आइस हॉकी गोल, आइस हॉकी गोल की ऊंचाई कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 48 इंचेस और 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ एन आइस हॉकी गोल, आइस हॉकी गोल की चौड़ाई कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 72 इंचेस। जो आइस हॉकी गोल की चौड़ाई होती है वो 72 इंचेस है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन आइस हॉकी गोल, आइस हॉकी गोल की लंबाई कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 63 इंचेस। क्वेश्चन नंबर 22 है, हीटिंग द बॉल इन टू द हॉल इन वन स्ट्रॉक इन गोल इज कॉल्ड, गोल में एक ही झटके में गेंद को सुराख में मारना कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस। क्वेश्चन नंबर 23 है, बार बर्डी ईगल एंड एस आर फेमस टर्म्स ऑफ विच स्पॉट, राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंडर द रूल्स ऑफ गोल्फ अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास नो मोर देन, गोल्फ के असूलों के तहत गोल्फ की गेंद का मास इससे ज़्यादा नहीं हो सकता? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 45 ग्राम्स। जो गोल्फ में बॉल होती है उसका वजन 45 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ अ गोल्फ हॉल, गोल्फ हॉल का साइज कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4.25 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इन्वेंटेड गोल्फ, गोल्फ किस मुल्क ने ईजाद की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्कॉटलैंड। गोल्फ एक खेल है जो कि स्कॉटलैंड ने ईजाद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉकी हॉल ऑफ फेम इज लोकेटेड इन, हॉकी हॉल ऑफ फेम कहाँ वाक़ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, टोरंटो कनाडा। हॉकी हॉल ऑफ फेम टोरंटो कनाडा में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इन्वेंटेड हॉकी, हॉकी किस मुल्क ने ईजाद की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा। कनाडा ने हॉकी ईजाद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंथोनियो कोट्रेस यूएन सेक्रेटरी जनरल आल्सो सर्व्ड एज, राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 30 है, द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ द अफ्रीकन यूनियन इज, अफ्रीकी यूनियन का मरकजी इंतजामी दारुल हुकूमत कौन सा मुल्क है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडिडेस अबाबा इथोपिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी का दारुल हुकूमत कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बर्लिन। जर्मनी का जो दारुल हुकूमत है उसका नाम बर्लिन है।
क्वेश्चन नंबर टू है, विच इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मस्जिद हरम। मस्जिद हरम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और मस्जिद हरम का दूसरा नाम द ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाउ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड स्टार्ट विद लेटर क्यू, दुनिया के कितने ममालिक हरूफे क्यू से शुरू होते हैं, मतलब दुनिया के वो कौन से ममालिक हैं जिनका नाम क्यू से शुरू होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वन, ओनली एक मुल्क है जिसका नाम क्यू से शुरू होता है और वो है कतर, कतर का नाम क्यू से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ टेलीग्राम, टेलीग्राम का बानी कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पवल दौरफ, पवल दौरफ है जो टेलीग्राम के बानी हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, वारसा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, वारसा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोलैंड, पोलैंड का जो दारुल हुकूमत है उसका नाम वारसा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज सेलिब्रेटेड ऑन, अमन का आलमी दिन किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 सितंबर, अमन का जो आलमी दिन है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का आलूदा तरीन मुल्क कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है दुनिया का आलूदा तरीन मुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूज कनाल इज इन विच कंट्री, नहर सूज किस मुल्क में वाक़ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इजिप्ट, नहर सूज है जो इजिप्ट में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, इंडियन सिटी मुंबई कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी आइलैंड्स, भारतीय शहर मुंबई कितने जज़ायर पर मुश्तमिल है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7, भारतीय शहर जो मुंबई है ये 7 जज़ायर पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द करंसी ऑफ इथोपिया इज, इथोपिया मुल्क की करंसी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इथोपियन बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेलमंड रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर थामस इज लोकेटेड इन, दरियाए थामस किस मुल्क में वाक़ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड, जो दरियाए थामस है ये इंग्लैंड में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट परचेजर ऑफ पाक चाइना मेड JF-70 एयरक्राफ्ट, पाक चाइना साख्ता JF-70 एयरक्राफ्ट का पहला खरीदार कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डॉग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कुत्तों का आलमी दिन किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 अगस्त, हर साल 26 अगस्त को डॉग का आलमी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरहम इज द करंसी ऑफ विच कंट्री, दरहम किस मुल्क की करंसी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, जो दरहम है ये दो ममालिक की करंसी है जिनमें एक UAE है, दूसरा मोरक्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असम्बली, अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर की मुद्दत कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड, किस मुल्क को दुनिया की छत कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरतूम इज द कैपिटल ऑफ, खरतूम किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूडान, सूडान का जो दारुल हुकूमत है उसका नाम खरतूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर 9/11 अटैक्स, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA? 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर हमले के वक्त अमेरिका का सदर कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, George W. Bush। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान का मौजूदा सुप्रीम लीडर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुल्ला हैबतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोगरा वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री, स्कोगरा वाटरफॉल किस मुल्क में वाक़ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनो फॉलेट वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री, विनो फॉलेट आबशार किस मुल्क में वाक़ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युम्बिला फॉल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री, युम्बिला आबशार किस मुल्क में वाक़ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हु रूल्ड इंडिया वॉज रिटन बाय, द मैन हु रूल्ड इंडिया किसने लिखी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिलिप मेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड पार्क लंदर इज रीऑन फॉर,
हाइड पार्क लंदन किसके लिए मशहूर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिबर्टी ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीसकीपर इज सेलिब्रेटेड ऑन। इकवाम मुत्तहदा का अमन दोस्तों का आलमी दिन किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 29 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में कॉफ़ी काश्त करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राज़ील। जो ब्राज़ील है दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी काश्त करने वाला मुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोरान डेजर्ट इज लोकेटेड इन। सहराए सोनोरान कहाँ वाक़ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री। बास्केटबॉल किस मुल्क का कौमी खेल है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैरी ओब्रायन ट्रॉफी इज फेमस इन विच स्पोर्ट। लैरी ओब्रायन ट्रॉफी किस खेल में मशहूर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कंसीडर्ड एज फाउंडर ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का बानी किस मुल्क को समझा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सनैलिटी इज द फाउंडर ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की बानी कौन सी शख्सियत है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स नेस्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्मिथ मेमोरियल बास्केट हॉल ऑफ फेम इज लोकेटेड इन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिब डैम इज लोकेटेड इन विच कंट्री। मारिब डैम किस मुल्क में वाक़ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड इन। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का क्याम किस वक्त हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1875। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐप न्यूज एजेंसी बिलोंग्स टू। ऐप किस मुल्क की न्यूज एजेंसी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। ऐप न्यूज एजेंसी बिलोंग्स टू पाकिस्तान। अब यहाँ पे ऐप की फुल फॉर्म क्या है? ऐप की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 है, हबशा इज द ओल्ड नेम ऑफ। हबशा किस मुल्क का पुराना नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इथोपिया। इथोपिया का पुराना नाम हबशा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पैथोलॉजी किस चीज़ का मतलब है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिजीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, हेलवेटिया वॉज द ओल्ड नेम ऑफ। हेलवेटिया किस मुल्क का पुराना नाम था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का पुराना नाम हेलवेटिया था, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन फेसबुक वाज लॉन्च्ड। फेसबुक का आगाज कब हुआ था या फेसबुक कब शुरू हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फेब 2004। फेब 2004 में फेसबुक का आगाज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन वर्ल्ड बुक डे इज सेलिब्रेटेड। किताबों का आलमी दिन कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23 अप्रैल। हर साल 23 अप्रैल को बुक्स का आलमी दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फुटबॉल प्लेयर मोहम्मद साले बिलोंग्स टू विच कंट्री। फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद साले का ताल्लुक किस मुल्क से है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इजिप्ट। इजिप्ट से फुटबॉल प्लेयर मोहम्मद साले का ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ। हेलसिंकी किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिनलैंड। फिनलैंड की दारुल हुकूमत का नाम हेलसिंकी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच मूवी वाज फिल्म्ड इन सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट में इनमें से कौन सी मूवी बनाई गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टार वार्स। स्टार वार्स जो मूवी थी ये सहारा डेजर्ट में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन USA एंड कैनेडा इज ऑफिशियली नोन एज। अमेरिका और कनाडा के दरमियान दुनिया की सबसे लंबी सरहद को सरकारी तौर पर क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेशनल बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मैनी डोर्स आर देयर इन मस्जिद हरम। मस्जिद हरम के कितने दरवाजे हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25। मस्जिद हरम के 25 दरवाजे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेपोलियन बोनापार्ट वॉज द किंग ऑफ। नेपोलियन बोनापार्ट किस मुल्क का बादशाह था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का ताल्लुक किस मुल्क से था, तो उसका आंसर भी फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ एशिया। एशिया का नेपोलियन किसको कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नादिर शाह। नादिर शाह को एशिया का नेपोलियन कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लेक, दुनिया की कदीम तरीन झील कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेक बेकल। बेकल लेक दुनिया की कदीम तरीन झील है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेक बेकल इज़ द विच कंट्री, बेकल झील किस मुल्क में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रशिया। रशिया में बेकल झील वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज़ द मोस्ट साल्टी सी इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज़्यादा नमकीन समुंदर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेड सी। डेड सी दुनिया की सबसे ज़्यादा नमकीन समुंदर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ISI स्टैंड्स फॉर, ISI की फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ISI की फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 18 है, द यूरो करेंसी इज़ यूज्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज़, यूरो करेंसी कितने ममालिक में इस्तेमाल होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 19। यूरो करेंसी 19 ममालिक की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज़ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज़ द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, दर्ज झैल सियारों में सबसे ज़्यादा तेज़ घूमने वाला सियारा कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जुपिटर। जुपिटर सबसे ज़्यादा तेज़ घूमने वाला सियारा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द वर्ल्ड कैंसर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, कैंसर का आलमी दिन किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 फेब। हर साल 4 फेब को कैंसर का आलमी दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द बैटरी वॉज इन्वेंटेड बाय, बैटरी किसने ईजाद की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलेक्जेंड्रो वोल्टा। वोल्टा ने बैटरी ईजाद की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच इज़ द फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया का तेज तरीन परिंदा कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेरीग्रीन फॉल्कन। पेरीग्रीन फॉल्कन दुनिया का तेज तरीन परिंदा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन इज कॉल्ड, बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीडियाट्रिशियन। बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम इथोपिया बाय द रेड सी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यमन। क्वेश्चन नंबर 25 है, द न्यूज़ एजेंसी ऑफ बहरीन इज़, बहरीन की न्यूज़ एजेंसी कौन सी है? इनमें से बहरीन की न्यूज़ एजेंसी का नाम बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, BNA। अब यहाँ पे BNA की फुल फॉर्म है बहरीन न्यूज़ एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 26 है, 100 ईयर्स वार वाज फॉट बिटवीन, 100 साल जंग किन ममालिक के दरमियान लड़ी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड एंड फ्रांस के दरमियान 100 साल जंग लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच फीमेल मॉस्किटो इज़ द कॉज ऑफ डेंगी फीवर, डेंगी बुखार की वजह कौन सी मादा मच्छर होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईडीज। ईडीज डेंगी बुखार की वजह होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ USA एंड कैनेडा बॉर्डर, अमेरिका और कैनेडा की सरहद की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 88 and 91 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इस्लामिक कंट्री बैंड द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ बुरका, किस इस्लामी मुल्क ने बुरका की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी लगा दी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोरक्को। मोरक्को ने बुरका की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी आयद की थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, द डेप्थ ऑफ द मरियाना ट्रेंच इज डैश मीटर्स, मरियाना ट्रेंच की कुल गहराई कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10,994। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मोस्ट फेमस नेम इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे मशहूर नाम कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुनिया का सबसे मशहूर नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया इज़, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जजीरा है। स्टूडेंट्स, इंडोनेशिया के रिलेटेड जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस टेस्ट में पूछे जाते हैं वो ये हैं, बिगेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इन मुस्लिम कंट्रीज़ इज़ इंडोनेशिया, मुस्लिम ममालिक में आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा मुल्क है वो इंडोनेशिया है। सेकंड जो क्वेश्चंस पूछा जाता है ये काफ़ी पेपर्स में आ चुका है, इंडोनेशिया इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ आईलैंड्स, लैंड ऑफ आईलैंड्स इंडोनेशिया को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। इंडोनेशिया का कैपिटल कौन सा है ये भी काफ़ी पास पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैपिटल कौन सा है, जकार्ता इसका कैपिटल है। इंडोनेशिया की एयरलाइन कौन सी है, गरुड़ इसकी एयरलाइन है। करेंसी का नाम क्या है, रुपया इसकी करेंसी है।
सीक्रेट एजेंसी कौन सी है? बिन इसकी सीक्रेट एजेंसी है। ये तमाम क्वेश्चंस आपने याद रखने हैं, ये तमाम क्वेश्चंस पास्ट पेपर में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, BRICS वाज फाउंडेड इन विच ईयर? बर्कस की बुनियाद किस साल रखी गई थी? स्टूडेंट्स, जो बर्कस है ये 5 ममालिक की तंजीम है जो कि मिल के काम करते हैं। बर्कस में कौन से ममालिक हैं? बी से मुराद ब्राज़ील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बर्कस कब बनी थी, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2006 में ये बनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नोबल प्राइज़ हैज़ बीन अवार्डेड इन डैश फील्ड्स? नोबल इनाम कितने शोबों में दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6। नोबल प्राइज 6 फील्ड में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड ऑन? महात्मा गांधी का योम पैदाइश किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर। हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का योम पैदाइश मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी के रिलेटेड जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है, महात्मा गांधी वाज अ इंडियन लायर, ये एक इंडियन लायर था। ये पैदा कब हुए थे? अक्टूबर 2, 1869 को ये पैदा हुए थे और इनकी जो वफात कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को इनकी वफात हुई थी। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपने देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ब्लैक फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन? ब्लैक फॉरेस्ट किस मुल्क में वाक़ है? जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ चाइना? चीन का पुराना नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। चीन इन 3 नामों से जाना जाता है, कैथे, मंगी, किन। ये 3 ऐसे नाम हैं जिनसे चीन जाना जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये चीन के 3 पुराने नाम थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंट्री इज नाउन एज सीनू? कौन सा मुल्क सीनू के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। चाइना सीनू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाइब्रेरी ऑफ मिस्टेक्स इज लोकेटेड इन? लाइब्रेरी ऑफ मिस्टेक्स कहाँ वाक़ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडनबर्ग। इंडनबर्ग में लाइब्रेरी ऑफ मिस्टेक्स वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज आल्सो कॉल्ड? बरतानवी पार्लियामेंट को और क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मदर ऑफ पार्लियामेंट। बरतानवी पार्लियामेंट को मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ यूके प्राइम मिनिस्टर इज एट? बरतानवी वज़ीर आज़म का रिहायशी मकाम कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 100 डाउनिंग स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लूमबर्ग न्यूज़ एजेंसी बिलोंग्स टू? ब्लूमबर्ग न्यूज़ एजेंसी का ताल्लुक किस मुल्क से है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, USA। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच कंट्री इज़ द ग्रेट स्लेव लेक लोकेटेड? ग्रेट स्लेव लेक कहाँ वाक़ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैनेडा। ग्रेट स्लेव लेक कैनेडा में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मैनी प्रोविंस इन अफ़गानिस्तान? अफ़गानिस्तान में कितने सूबे हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 34। अफ़गानिस्तान में 34 सूबे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, US प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन वाज? पहली जंग अज़ीम के दौरान अमरीकी सदर कौन थे? राइट आंसर है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन पहली जंग अज़ीम में अमेरिका के सदर थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच गैस वाज फर्स्ट यूज्ड इन वर्ल्ड वार वन? पहली जंग अज़ीम में सबसे पहले कौन सी गैस इस्तेमाल हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लोरीन। क्लोरीन पहली जंग अज़ीम में सबसे पहले यूज़ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ईयर जिम्बाब्वे गेंड इंडिपेंडेंस? जिम्बाब्वे ने किस साल आज़ादी हासिल की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1980 को जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडल ईस्ट इज? मशरक़ वुस्ता का स्विट्ज़रलैंड कौन सा मुल्क है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिबनान। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यंगेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप? यंगेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप किस मुल्क को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोसोवो। कोसोवो को यूरोप का यंगेस्ट कंट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पाकिस्तान हैज़ द डैश हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट इन द वर्ल्ड? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4th। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज? पहली बैनुल अक्वामी तंजीम कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लीग ऑफ नेशंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेरिकन स्टेट इज नाउन एज बिग एप्पल, कौन सी अमेरिकी रियासत बिग एप्पल के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागॉन इज द मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ, पेंटागॉन किस मुल्क का फौजी हेडक्वार्टर है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी जीरोज इन 1 बिलियन, एक अरब में कितने जीरो होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9। अगर आपसे 1 मिलियन का पूछा जाए तो उसमें 6 होते हैं और 1 बिलियन में 9 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ, बिल गेट्स किसके बानी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट एवरेज एज इज इन विच कंट्री, सबसे ज़्यादा औसतन उम्र किस मुल्क में है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट रेशियो ऑफ इंटरनेट यूजर्स इज इन, सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग किस मुल्क में हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप ब्रिज कनेक्ट विच टू कंट्रीज, फ्रेंडशिप ब्रिज किन दो मुल्कों को मिलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुस्लिम कंट्री इज कॉल्ड क्लस्टर ऑफ आईलैंड्स, किस मुल्क को जजायर का जुर्मट कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आईलैंड इन द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ मॉस्क्यूज, किस शहर को मस्जिद का शहर कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफल टावर इज लोकेटेड इन, एफल टावर किस मुल्क में वाक़ है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, MI-26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज, दुनिया में मुसलमानों की आबादी कितनी है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑलमोस्ट 2 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बियर इज अ डैश इन कैनेडा, ग्रेट बियर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी पैक इज आल्सो कॉल्ड एज डैश फॉर पाकिस्तान, सी पैक को पाकिस्तान के लिए क्या कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेम चेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 2023 साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, कौन सा मुल्क 2023 साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स की मेज़बानी करेगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट कंट्री टू ज्वाइन सार्क, सार्क में शामिल होने वाला आखिरी मुल्क कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट मेंबर टू ज्वाइन नेटो, नेटो में शामिल होने वाला आखिरी रुकन मुल्क कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्थ मैसिडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड कंट्री टू राइज फ्लैग ऑन मून, चांद पर झंडा लहराने वाला दूसरा मुल्क कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स फर्स्ट एशियन वुमेन टू प्ले 100 T20 मैचेस, 100 T20 मैचेस खेलने वाली पहली एशियाई खातून कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सना मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ कोरिया फर्स्ट टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर वेपन्स इन, शुमाली कोरिया ने अपने जौहरी हथियारों का पहला तजर्बा कब किया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस प्रेसिडेंट्स मैक्सिमम टेनर कैन बी, अमेरिकी सदर का ज्यादा से ज्यादा दौर कितना हो सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट सेंड इनटू स्पेस, खला में भेजे गए पहले सैटेलाइट का नाम क्या था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पुटनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बैंड निकाब इन पब्लिक बिल्डिंग्स, किस मुल्क ने सरकारी इमारतों में नकाब प्रतिबंधी आयद की है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, टूनीजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट हिजाब वीरिंग जज इन यूके, बरतानिया में पहले हिजाब पहनने वाली जज का नाम क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राफिया अरशद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज द लार्जेस्ट मेंबरशिप? सबसे ज्यादा रुकनियत किस मुल्क की पार्लियामेंट की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियल सेंटर इज? दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मरकज कहाँ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री विद हाईएस्ट रेशियो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन साउथ एशिया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूटान। क्वेश्चन नंबर वन है, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ फ्लावर्स? फूलों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ थाउजेंड आईलैंड्स? किस मुल्क को हजार जजीरों की सरजमीन कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड? इंटरनेट की मदद से कारोबार करने को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट मॉस्क्यू? सबसे कदीम और सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मस्जिद हरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड? कैंसर का मतलब क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑनकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान का आखिरी बादशाह कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद जाहिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन जैक इज द नेम ऑफ द फ्लैग ऑफ विच कंट्री? यूनियन जैक किस मुल्क के झंडे का नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज? निज़ामे शमसी का गर्म तरीन सियारा कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री? दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड मुल्क कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्मानिया इज द मेजर आईलैंड ऑफ? तस्मानिया किस मुल्क का जजीरा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज द लास्ट टू ज्वाइन BRICS इन 2010? 2010 में बरकस में शामिल होने वाला आखिरी मुल्क कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका। ये बरकस पांच मुल्कों की तंजीम है, जिनमें बी से मराद ब्राज़ील, आर से मराद रशिया, आई से मराद इंडिया, सी से मराद चाइना, एस से मराद साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबशा इज द ओल्ड नेम ऑफ? हबशा किस मुल्क का पुराना नेम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स इज द फेमस न्यूज एजेंसी ऑफ? राइटर्स किस मुल्क की मशहूर खैबर रसां एजेंसी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट ऑफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्जिद क्रिस्टल इज लोकेटेड इन? मस्जिद क्रिस्टल किस मुल्क में वाक़े है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बैंड स्पोर्टिंग इवेंट फॉर 4 ईयर्स? किस मुल्क ने खेलों के मुकाबलों पर 4 साल की पाबंदी आयद की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट रिवेंज? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज नो लैंड बॉर्डर? किस मुल्क की कोई ज़मीनी सरहद नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल अमल इज द मार्स मिशन ऑफ? मरीख का मिशन अल अमल किस मुल्क का है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रीज इन यूरोपीय यूनियन? यूरोपीय यूनियन में कितने ममालिक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यूके लेफ्ट यूरोपीय यूनियन? बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से कब अलग की इख्तियार की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 31 जनवरी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्टीनेंट हैज नो डेजर्ट? वो कौन सा बड़े आजम है जिसमें कोई सहरा नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAARC मेंबर्स बिलोंग टू, राइट आंसर है ऑप्शन सी, साउथ एशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज बर्ड कॉन्टिनेंट, कौन सा बड़े आजम बर्ड कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, साउथ अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ चिली इज, चिली का दार हुकूमत कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, सैंटियागो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट लीडर ऑफ हमास, हमास एक फलस्तीनी एजेंसी है, इसका लीडर कौन है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, इस्माइल हानिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट हिंदू पायलट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले हिंदू पायलट का नाम क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल देव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा लेक इज कनेक्ट विच टू ओशंस, राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैसिफिक एंड अटलांटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज मोस्ट विजिटेड बाय टूरिस्ट, राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड सी इज लोकेटेड इन, राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसराइल एंड जॉर्डन. क्वेश्चन नंबर वन है, विच इज द ओनली प्लैनेट दैट रोटेट्स क्लॉकवाइज, कौन सा वह सितारा है जो घड़ी की सिमत में घूमता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीनस. विच प्लैनेट इज आल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट, वो कौन सा सितारा है जो सरमाई सितारा भी कहलाता है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, जुपिटर. ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हर टेस्ट में रिपीट होते ही रहते हैं. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, मर्करी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, मर्करी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, मर्करी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. क्वेश्चन नंबर थ्री है, वन टाइम इज इक्वल टू हो मैनी केजी, एक टन कितने किलो के बराबर होता है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1000 केजी. क्वेश्चन नंबर फोर है, वन बैरल ऑयल इज इक्वल टू हो मैनी लीटर्स, एक बैरल तेल कितने लीटर के बराबर होता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 159. द कलर विच वी सी व्हेन आवर आईज आर क्लोज्ड, वो रंग जो हम आंखें बंद होने पर देखते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लैक. द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस, वो गैस जिसे आमतौर पर लाफिंग गैस कहते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड. विच बर्ड हैज लेग्स बट कैन नॉट वॉक, वो कौन सा परिंदा है जिसकी टांगे हैं लेकिन वो चल नहीं सकता, राइट आंसर है ऑप्शन सी, हमिंग बर्ड. विच इज द प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिंक्डइन. व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जीमेल, जीमेल का पूरा नाम क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, गूगल मेल. अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड, हाथियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्ड. हाउ मैनी बोन्स इन ईच हैंड, हर हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, राइट आंसर है ऑप्शन डी, 27. Which country's flag is different on each side? किस मुल्क का झंडा हर तरफ से मुख्तलिफ है? Right answer है option B, Paraguay. The shape of Earth is, ज़मीन की शक्ल है. Right answer है option C, oblate spheroid. Which is the thinnest Earth layer? ज़मीन की सबसे पतली तह कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रस्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ, जमीन के मरकजी हिस्से का नाम क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोर. द परसेंटेज ऑफ द साल्ट वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज, जमीन की सतह पर नमकीन पानी कितने फीसद है,
राइट आंसर है ऑप्शन सी 97%। हाइड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, राइट आंसर है ऑप्शन डी रेनफॉल। एन एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ स्काई एज, एक खलाबाज आसमान का रंग किस तरह का देखता है, राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्लैक। फादर ऑफ रिवर्स इज नाउन एज, दरियाओं का बाप के नाम से कौन सा दरिया जाना जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडस रिवर। सिटी ऑफ लव इन पाकिस्तान इज नाउन एज, पाकिस्तान में मोहब्बत का शहर किसको कहा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन सी लाहौर। विच वन इज द नेशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी साज कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन सी डफली। हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन पंजाब प्रोविंस, सूबा पंजाब में कितने दरिया बहते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन ए 5। वट डज कैमल स्टोर इन इट्स हम, ऊंट अपने कुहान में क्या जखीरा करता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी वाटर। हु इज कॉल्ड एज मुस्लिम अलेक्जेंडर, मुस्लिम सिकंदर किसे कहा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन ए अबवा बिन नौफा। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स द मोस्ट गोल्ड, इंसानी जिस्म के किस हिस्से में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन सी टोनेल्स। वट इज द प्रोटीन कंटेन इन वीट अप्रोक्सीमेटली, गंदम में प्रोटीन कितनी होती है, राइट आंसर है ऑप्शन सी 12%। नॉलेजी इज द स्टडी ऑफ, राइट आंसर है ऑप्शन ए नॉलेज। जियोफोनिक्स इज द स्टडी ऑफ, राइट आंसर है ऑप्शन बी एग्रीकल्चर। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, राइट आंसर है ऑप्शन ए वॉल्स एंड डॉल्फिन्स। पाकिस्तान प्लेस्ड इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में कौन से नंबर पर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी 5th नंबर। नंबर 1 है विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के किस शहर को कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी सरगोधा। हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने 31 दिन के होते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 मंथ्स। हाउ मैनी यूएस प्रेसिडेंट्स हैव विजिटेड पाकिस्तान, अब तक कितने अमेरिकी सदरों ने पाकिस्तान का दौरा किया है, राइट आंसर है ऑप्शन डी 5। मोहम्मद बिन कासिम एज व्हेन ही कंक्वर्ड सिंध, मोहम्मद बिन कासिम की उम्र क्या थी जब इसने सिंध फतह किया, राइट आंसर है ऑप्शन सी 17 ईयर्स। अ विलेज नेम्ड पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कंट्री, पाकिस्तान नाम का गांव किस मुल्क में वाकया है, राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडिया। अ ग्रुप ऑफ कैट्स इज कॉल्ड, बिल्लियों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लाउडर। अ ग्रुप ऑफ फिशेज इज कॉल्ड, मछलियों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन डी शॉल। मैक्सिमम हॉकी कप वन बाय विच कंट्री, ज्यादा हॉकी कप किस मुल्क ने जीते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। द फेमस पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इज रिटन बाय, मशहूर नज़म ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी है, राइट आंसर है ऑप्शन बी जेन टेलर। डैश इज द रिचेस्ट कंट्री इन एशिया, एशिया का अमीर तरीन मुल्क कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन सी चाइना। कायदे आजम्स फादर नेम वाज, कायदे आजम के वालिद का नाम क्या था, राइट आंसर है ऑप्शन ए पूंजा जिना। डैश इज द वर्ल्ड लॉडेस्ट बर्ड, दुनिया का बुलंद तरीन आवाज वाला परिंदा कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन सी वाइट बेल बर्ड। Which of the following tallest tree in the world?
मदरजा जैल में से दुनिया का सबसे ऊंचा दरख्त कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेडवुड। विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला दरख्त कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इम्प्रेस स्प्लेंडर। विच इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ एशिया? एशिया का गर्म तरीन मकाम कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीरथ जुई। स्टडी ऑफ फ्लैग्स इज कॉल्ड? झंडों का मताला क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेक्सोलॉजी। गूगल वॉज लॉन्च्ड इन? गूगल को कब शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 सितंबर 1998। हु वॉज द फर्स्ट इंजीनियर ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का पहला इंजीनियर कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इमहोटिप। How many umpires are in baseball game? Baseball game में कितने umpire होते हैं? Right answer है option D, 4. The Redcliff line became the official border between. Redcliff line किसके दरमियान सरहारी सरहद है? Right answer है option C, Pakistan and India. The bridge in Istanbul, Turkey that connects Asia and Europe. तुर्की के शहर इस्तांबुल में वो पुल जो एशिया और यूरोप को मिलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोस्पोरस ब्रिज। नेम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैंक विच स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन अगस्त 17, 1947। पहली पाकिस्तानी बैंक का नाम बताएं जिसने 17 अगस्त 1947 को काम शुरू किया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हबीब बैंक। विच यूरोपियन कंट्री डज नॉट हैव हेड ऑफ स्टेट? इस यूरोपीय मुल्क का सरबराह मुमकत नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। विच कंट्री इज रैंक्ड एज द मोस्ट पैट्रियोटिक नेशन इन एशिया? एशिया में सबसे ज्यादा हुब्बुल वतन मुल्क कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सर्कल कबड्डी मैच? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 40 मिनट्स। विच कंट्री हैज ओनली वन सिटी एंड कैपिटल ऑल्सो? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटिसन सिटी। विच इज द डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंगो रिवर। चंबेली इज नाउन एज? राइट आंसर है ऑप्शन ए, समर कॉइन। द एरोप्लेन दैट ड्रॉप्ड एन एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा वाज? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनोला गाय। Which is the first space agency of the world? दुनिया की पहली खलाई एजेंसी कौन सी है? Right answer है option B, NASA.